गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम सनमकान पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान शिवचंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? पीपीएम। पीपीएम मींस क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इज मास रेशियो ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट टू 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सैंपल। पीपीएम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कोई कंटेनर लें और कंटेनर में क्या करें, किसी मास के मोल, मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मतलब या तो मास के सॉल्यूट हो या तो किसके सॉल्यूट हो, वॉल्यूम के सॉल्यूट हो, वो क्या हो, किसी एक सॉल्यूशन में क्या हो, प्रेजेंट हो। और सॉल्यूशन किसका हो? मिलियंस का हो। सॉल्यूशन किस में हो? मिलियंस में हो। या हम क्या बोल सकते हैं कि वॉटर जो है, वॉटर का सॉल्यूशन क्या है, मिलियंस में है। और उस मिलियंस में उपस्थित किसके मोल्स, उसमें प्रेजेंट किसके मोल्स, मास ऑफ सॉल्यूट के मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के मोल्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीएम बोलते हैं। सपोज मान के चलो कि आप क्या बना रहे हैं, आप खीर बना रहे हैं, और खीर में क्या कर रहे हैं, आपने दूध लिया, दूध की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो दूध की क्वांटिटी ज्यादा थी तो वो किस में आ गया, सॉल्यूशन के किस भाग में आ गया, वो आ गया आपके सॉल्यूशन के सॉल्वेंट वाले भाग में। क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, हम पढ़ते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है हमारा, सॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन यदि आप उसमें देखा जाए तो शुगर की क्वांटिटी भी ठीक है, लेकिन उसमें यदि हम पूछें कि उसमें आपने क्या मिला दिया, उसमें आपने क्या मिला दिया, उसमें आपने मिला दिया केसर मिला दिया, या फिर आपने काजू किशमिश मिला दिया, तो ऐसी चीजें जिनकी क्वांटिटी क्या है, थोड़ी कम है। चलो काजू किशमिश भी हम काफी ज्यादा मिला देते हैं, लेकिन केसर की क्वांटिटी क्या करते हैं हम लोग, काफी कम मात्रा में रखते हैं। तो जब बड़े अमाउंट में या बड़े सॉल्यूशन में, ज्यादा बड़े सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, जिनकी मात्राएं बहुत कम होती हैं, उनको निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले की बात करते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। तो पीपीएम इक्वल टू क्या होता है, ग्राम सॉल्यूट अपॉन 10^6 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब कि मिलियन सॉल्यूशन में उपस्थित ग्राम सॉल्यूट की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम इज यूज टू मेजर केमिकल कंसंट्रेशन यूजली इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर के सॉल्यूशन में केमिकल कंसंट्रेशन, और वो भी किस में, हमारे डेसिमल में यूज करते हैं। तो डेसिमल में निकालने के लिए, या फिर उसको हम 1 ppm अपॉन क्या कर सकते हैं, 10^-6, मतलब 6 कर सकते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर किस में जाएगी, 1 × 10^-6 के प्रेजेंस में हो जाएगी। चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ppm बाय मास और वेट बाय वेट। तो इसमें क्या लिखेंगे, मास के लिए निकालना, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10^6। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन हमारे पास में गिवन है, उस सॉल्यूशन में, उस मास के जो हम कंपोनेंट मिला रहे हैं या जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं, वो किस में होंगे, 10^-6, मतलब 10^6 में क्या होंगे, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। तो मास को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट, मतलब डब्ल्यू ए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि एक कंटेनर में हम किसके, जैसे हम मास की बात करें तो वेट लेंगे डब्ल्यू ए, ये क्या हो रहा है हमारा, सॉल्यूट मिला रहे हैं, और कहीं से इसमें क्या मिला हो गया, डब्ल्यू बी, मतलब क्या मिला होगा, सॉल्वेंट मिला होगा। तो एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास में, मतलब सॉरी, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई 10^6 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से पीपीएम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के लिए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10^6। इसके लिए क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी वी पुट में, और 10^6 क्या हो जाएगा, 6। तो मतलब वही है कि इस तरीके से फिर यदि हम वही बनाए तो क्या हो गया, वॉल्यूम ए के सॉल्यूट और वॉल्यूम बी के सॉल्वेंट दोनों ही मिलाकर क्या बनाएंगे हमारे, वी ए प्लस क्या बनाएंगे, वी वी बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही मिला के क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया। कुछ फॉर्मूला यदि देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इस तरीके से हमने इससे पहले भी क्वेश्चन कुछ देख चुके हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, यदि हम इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ
सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय क्या लग जाएगा 100, क्योंकि किसमें दिया हुआ है हमको, परसेंटेज में दिया हुआ है। लेकिन यदि इसको हमको किसमें बदलना है, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10^6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पीपीएम क्या होता है, मिलियंस में होता, तो ठीक है 10^ क्या लगना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। फिर यदि सेकंड में भी हम क्या करें, परसेंटेज वॉल्यूम वाई यदि क्या आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा 100। और यदि इनकी यूनिट की बात करें, तो इनकी यूनिट क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम में, और सॉल्यूशन किस में ले लेंगे हम, ml में लेंगे। यहाँ भी वैसे हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, और इसकी यूनिट किस में रहेगी, ml में रहेगी। यहाँ भी वैसे ही, ये किस में रहेगा, ग्राम में, और ये ml में रहेगा। अब यदि इसको हमको किस में बदलना है, ppm किस में बदलना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेम फार्मूला यही रहेगा, बस क्या हो जाएगा 100 की जगह क्या हो जाएगा 10^6 हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पीपीएम टू डेसिमल मतलब यदि हमको क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, पीपीएम में दिया हुआ है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता था, पार्ट्स पी इन डेसिमल इज इक्वल टू द क्या, पार्ट्स ऑफ पी इन पीपीएम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मिलियंस। तो मिलियंस के लिए यदि करेंगे तो क्या होगा, 10^6 हो जाएगा। तो यदि फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, पी डेसिमल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी पीपीएम में डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मिलियन। क्लियर हो गया। यदि इसको, यदि हम एक क्वेश्चन ले लें, इसके लिए क्या लें, एक एग्जांपल में क्वेश्चन लें कि फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन, फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 500 पीपीएम, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डेसिमल इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 500, तो 500 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, मिलियन, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 10 का क्या लग जाएगा यहाँ डिजिट पॉइंट, तो 0.000 और 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर पी डेसिमल में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा, टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू पीपीएम, तो द पार्ट्स पी इन पीपीएम इज इक्वल टू द पार्ट्स पी इन डेसिमल, और टाइम्स कितने में, मिलियंस में। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे हमने इससे पहले देखा था क्या, कि पी किस में है, डेसिमल में यदि है, तो डेसिमल में क्या होता है, पी किस में होगा, पीपीएम में होगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, 10^6 क्या होगा, 6 होगा। तो यदि हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट, मतलब हमको पीपीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा, और पी किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, पीपीएम में। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, या फिर इसमें यदि इसके तरीके से लिखना चाहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी किस में हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10^6 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो इस पे वे यदि हम एक क्या देखें, एक क्वेश्चन देखें कि हाउ मैनी फाइंड, हाउ मैनी पीपीएम, हाउ मैनी पीपीएम आर प्रेजेंट इन 0.0025, ठीक, किसमें है, ये डेसिमल में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेसिमल मल्टीप्लाई 10^6, या इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, इसकी वैल्यू क्या 0.0025 मल्टीप्लाई 6, पॉइंट हटाएंगे 1, 4 डिजिट है तो 40 से 40 क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो 25 और कितने 0 00, और आंसर किस में जाएगा, पी पी एम में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन के क्या करना है,
क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।